अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे सामने मज़े मज़े के आलू हो रहे हैं फ्रेश। यस गाइस, आज मैं बना रही हूँ क्रिस्पी फ्राई एंड चीज़ी सॉस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार रेसिपी विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लग रही है, जल्दी जाइए ऊपर जो आइकन आ रहा है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं मज़ेदार रेसिपी। व्यूअर्स, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपने आलू लेने हैं और उन आलूओं को आपने जो है वो इस शेप में काट लेना है। क्योंकि आपको पता है फ्राइज़ बना रहे हैं और फ्राइज़ की शेप हमेशा से इस तरह से होती है। इस तरह से काट लेंगे और करेंगे हम इसको बॉयल। मैंने एक सॉस पैन लिया है और उसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और ये सारे जो आलू हैं वो मैंने उसके अंदर डाल दिया है। अब मैं इसको करूँगी सबसे पहले बॉयल और बॉयल करने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। और ये देखिए देखिए, जैसे आप देखेंगे ना पैन में जो है वो बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे। तो आप लोगों ने उसके 5 मिनट तक और इसको पकाना है और उतार लेना है, यानी कि ज़्यादा बॉयल नहीं करना, ठीक है। ये हमारा ये हो चुका है, मेरा बॉयलिंग पॉइंट आ चुका था और 5 मिनट हो चुके हैं। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ, इसको निकालूंगी और इसको मैं जो है तकरीबन जो है 5 मिनट तक इसे ठंडा होने के रखती हूँ, फिर मैं बताती हूँ मैं नेक्स्ट क्या करूँगी। 5 मिनट हो चुके हैं, मैंने एक ट्रे ले लिया और उसको जो है टिश्यू के साइज से हिला लिया है टिश्यूज़ को, और जो बॉयलिंग आलू थे वो मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं। अब इसको थोड़ा सा साइड पे कर देंगे आलूओं को और इसको थोड़ा सा जो है वो खुश्क होने के लिए रख देंगे 5 to 6 मिनट्स के लिए। ओके जी व्यूअर्स, नेक्स्ट बनाने लगे हैं चीज़ी सॉस। उसके लिए सबसे पहले मैंने रख दिया है पैन और यहाँ ऑन हो गया है चूल्हा, और इसके अंदर जो है वो मैं इस तरह से एक पीस ऑफ मक्खन का जो बटर का है वो ऐड कर रही हूँ स्लाइस का, और इसको अच्छे से पकाते हैं। ओके जी, देखिए जब ये बटर जो है इस तरह से पकना शुरू हो जाएगा तो उसके अंदर जो है वो हम लोगों ने ऐड करना है मैदा, और मैदा मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब, और इसको जो है चम्मच की मदद से आपने जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई करना है इस तरीके से। ओके जी, इसके साथ जो है मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ डिफरेंट इंग्रीडियंट्स। इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नमक, नमक मैंने बिल्कुल थोड़ा सा डाला है, यानी कि 1/2 टीस्पून। नेक्स्ट के अंदर मैं डालने लगी हूँ रेड चिली पाउडर, ठीक है, ये मैंने डाल दिया 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट मैं इसको मिक्स करूँगी अच्छे तरीके से, इस तरीके से इसको मिक्स करेंगे, और उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। ओके, अब मैं डालने लगी हूँ उसके अंदर दूध, और दूध मैंने डाल दिया है 1/2 कप के करीब, ठीक है, और इसको मैंने जो है वो अच्छे तरीके से करना है मिक्स। ओके जी, अब मैं इसके थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ ऑरिगेनो, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी मैं। मज़ेदार सॉस है गाइस, बनाना ज़रूर, रमज़ान की रेसिपी है। और मज़ेदार की बात तो ये है कि जब मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि जितना छोटी रेसिपी हो सकती है वो मैं लेके आऊँ ताकि ईजी हो आप लोगों के लिए बनाने के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मैं क्या करने लगी हूँ कि व्यूअर्स, अब मैं जो हूँ उसके अंदर नेक्स्ट जो डालने लगी हूँ वो है चीज़, ठीक है। ये डाल रही हूँ मैं 3 से 4 अदद जो है वो डाल दें चीज़, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने इसको जो है क्या करना है, अच्छे तरीके से करना है मिक्स। अब मैंने इसके अंदर जो है 3 से 4 अदद जो है वो चीज़ ऐड कर दी है, और आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है ताकि जो चीज़ है वो अच्छे तरीके से हो जाए मेल्ट। ओके जी व्यूवर्स, उसके बाद मैं इसके थोड़ा सा ऐड करूँगी कि मैं डालने लगी हूँ चीनी। चीनी मैं इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ 1/2 टीस्पून के करीब, ठीक है। मज़ेदार चीज़ें सॉस है व्यूवर्स, बड़ा मज़ेदार आने वाला है। आपको पता है कि एक तरफ चिप्स हैं और एक तरफ सॉस है, ओहो मज़ा ही आ जाएगा। ओके जी, बस अब कुछ भी नहीं करना है, इसको हिलाना है अच्छे तरीके से, मिक्स करना है और इसके पकने का वेट करना है। जैसे ही ये पक जाएगी तो इसका मतलब यह है कि चीज़ी सॉस हो जाएगी रेडी। और ये देखिए मज़ेदार चीज़ी सॉस हो चुकी है रेडी। ओके जी, मैं नेक्स्ट आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट मैंने क्या करना है। चलिए इसको डिश आउट करते हैं। अब जो है वो मैं इन आलूओं को जो है वो अलग से एक बाउल में डाल रही हूँ। ओके जी, और यहाँ पे जो है वो मैं मैदा डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून के करीब जो है मैदा मैं डाल दी है, और इसको अच्छे तरीके से करना है मिक्स।
ओके, मैंने ऑयल ऐड कर दिया है, इसको जो है थोड़ा सा गर्म होने के लिए रखते हैं, और उसके बाद जो हमारे पास ये जो पोटैटोस थे उसको फ्राई करेंगे। ओके जी, ऑयल गर्म हो चुका है और ये आलू जो है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। सारे अच्छे से जो है वो ऐड कर लेंगे। और इस तरीके से जो है इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकाएंगे। जैसे कि आपको पता है ये ऑलरेडी बॉयल है, तो आपने जल्दी से इसको पकाना है, फ्राई करना है और निकालना है, ज़्यादा उसको करने की जरूरत नहीं, जस्ट तब तक जब तक क्रिस्पी हो जाए। ओके व्यूअर्स, ये देखिए अच्छे तरीके से क्रिस्पी जो है ये फ्राइज तैयार हो चुके हैं, इनको डिश आउट करते हैं। ओके जी व्यूअर्स, ये मज़ेदार किस्म के क्रिस्पी फ्राइज और जो हमारे पास चीज़ी सॉस है वो हो चुकी है रेडी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की ये मज़ेदार रेसिपी आपको पसंद आई होगी। गाइस ज़रूर बनाइएगा, किएगा, इंशाल्लाह फिर आऊँगी मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़, खुश रहें, खुश रखिए।